water, please drink it completely. So here on the left side, आप तो देख सकते हैं, ये दुबई मॉल एरिया है। ये 2004 के बाद ये पूरा डेवलप हुआ है। 2004 के पहले ये पूरा मिलिट्री बेस था, मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप था इधर। ईमार ग्रुप ने 2004 में $20 बिलियन खर्चा किया है एरिया में, $20 बिलियन। ये दुबई मॉल, हम लोग शाम को आएंगे इधर। दुबई मॉल एंड बुर्ज खलीफा ऑल्सो यू कैन सी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। वो कंटर टोरो निकल रहा है, उसको देख सकते हैं। कंटर पीछे करो, देखो दुबई मॉल currently the world's largest shopping mall. अभी हम लोग शेख जायद रोड में एंटर हो रहे हैं। ये मेन हाईवे है। जो राइट साइड में आपको देख सकते हैं, ये दुबई का मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। तो 1985 के पहले इधर कुछ भी नहीं था, एक ही दो बिल्डिंग था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड वन ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। बाकी जो हम लोग देख रहे हैं अभी, ये सब कुछ इसके बाद ही बना हुआ है 1985 के बाद। मेजोरिटी बिल्डिंग्स आर बिल्ड आफ्टर 2000। इसमें होटल्स है, ऑफिस बिल्डिंग एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसमें कोई बिल्डिंग आपको लीज पर ले सकते हैं, 99 ईयर्स लीज। कोई बिल्डिंग आपको नॉर्मली ईयरली रेंट पर ले सकते था 97। ये रोड सिर्फ चार ट्रैक था, दो आने का दो जाने का। तो अभी एक साइड में 6 लाइन है, इसके अलावा 2 सर्विस लाइन भी है, तो टोटल 8 लाइन ईच डायरेक्शन। जो दूसरा साइड है, गाड़ी उस तरफ जा रहे हैं ना, वो सब अबू धाबी जाने का है। अबू धाबी इधर से 160 किलोमीटर है एंड अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई एंड द बिगेस्ट एमिरेट ऑफ यूएई and the richest emirate of UAE. So museum of the future, फोटो स्टोर देगा आपको अराउंड 10 मिनट्स। तो क्विकली आप फोटो लेके वापस बस में आना है। तो अभी हम लोग वापस पाम जुमेरा तक जाना है। पाम जुमेरा, जुमेरा बीच, बुर्ज अल अरब होटल, वो सब देखने का है। तो आप टाइम पर आएंगे तो अभी पूरा दिखा सकते हैं मेरे को, नहीं तो